हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि कल हमने बताया था, पैजामे सीखे थे हमने। सादा पैजामा, पैंटेड पैजामा, चूड़ीदार पैजामा, जंजीर पैजामा। तो इसी क्रम में आज हम आगे करेंगे, आगे बनाएंगे। यह है कुर्ता, ठीक है। कुर्ते होते हैं दो प्रकार के, एक नेहरू कुर्ता और एक बंगाली कुर्ता। अब नेहरू कुर्ते को ही लोग नेतागढ़ कुर्ता भी कहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, जिंगली कट पैजामा या अलीगढ़ी पैजामा या नेतागढ़ पैजामा, ठीक है। उसी क्रम में जो बताएंगे, आज हम कुर्ते की ड्राफ्टिंग करेंगे। कुर्ते दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया, एक नेतागढ़ पैजामा कुर्ता और एक बंगाली कुर्ता। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, नेतागढ़ कुर्ते और बंगाली कुर्ते? नेतागढ़ कुर्ते में जो है एक कॉलर लगा होता है, बस एक सिर्फ यही अंतर है। और बाकी आप आस्तीन चेंज भी कर सकते हो, या तो आप आस्तीन खुली छोड़ सकते हो, या इसमें कफ लगा सकते हो। मुख्य अंतर जो है कॉलर का, कि जो नेहरू कुर्ता या नेतागढ़ कुर्ता होगा उसमें बैंड पट्टी आएगी, कॉलर आएगा इस तरीके से, जो ऊपर वाला नहीं आता ये आता। और जो बंगाली कुर्ता होता है उसमें आम खाली पट्टी आती है और गला गोल रहता है। तो उसकी ड्राफ्टिंग बनाने के लिए ये हमारे पास कपड़ा है। हमने कपड़े को इधर से इधर फोल्ड किया है, यानी कि सामने हमारा बंद हिस्सा रहेगा और खुला हुआ इधर रहेगा, तो इधर से इधर फोल्ड किया। और जो निशान लगाएंगे हम, सबसे पहले इसके लंबाई के निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाया 1 से 2, गले के लिए छाती का 1/12। अब छाती है 36, 36 का 1/12 कितना होगा, कैसे निकालोगे इसे? तो हम 12 को जो है 36 में भागा देंगे, कितना निकलेगा? 12 3 36, तो कितना होगा? 3 इंच। तो 1 से 2 लगेंगे छाती का 1/12, 1 से 2। 1 से 3 मुट्ठे के लिए छाती का 1/4, तो छाती है 9 नहीं 36, 36 का 1/4 होगा 9, आधा इंच उसमें से घटाएंगे 1.5। 1 से 4 कमर की गहराई, कमर की गहराई है हमारी 16 इंच। अब इसे दो चीजें कहते हैं, हिंदी में इसे कहेंगे कमर की गहराई, और इंग्लिश में कहेंगे इसे नेचुरल वेस्ट। कहीं पे अगर टिप्पणी लिखने भी आता है तो नेचुरल वेस्ट किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जो हमारे कंधे से और हमारे शरीर का सबसे पतला भाग होता है उसे कमर की गहराई या नेचुरल वेस्ट कहते हैं। 1 से 5 कुर्ते की पूरी लंबाई धन दबाव, तो कुर्ते की पूरी लंबाई है 36 और 1 इंच और जोड़ेंगे, तो यहां से यहां रखेंगे 37। अब इसके चौड़ाई के निशान लगाते हैं, 1 से 6 छाती का 1/12 3 इंच, 1 से 7 तीरे का 1/2, अब तीरा है 18, 18 का आधा होगा 9 इंच, 7 से 8 3/4 इंच या आधा इंच, ठीक है। 3 से 9 छाती का 1/4 धन 2, तो क्योंकि ये कुर्ता ढीला होता है इसलिए इसे छाती का 1/4 धन 2 रखेंगे, छाती है 36, 36 का 1/4 होगा 9 और 2 इंच और जोड़ेंगे 11। अब 4 से 10 बराबर 3 से 9 के, यानी जितना 3 से 9 होगा उतना ही 4 से 10 भी होगा। 10 से 11 3/4 इंच या 1 इंच, क्यों? क्योंकि चेस्ट की अपेक्षा कमर की गोलाई जो है कम होती है, ठीक। अब इसको इस शेप में ले आएंगे। अब जो इसका घेर रखेंगे 5 से 12 छाती का 1/3 धन 1, तो छाती है 36, 36 का 1/3 होगा 12, 1 इंच और जोड़ेंगे 13। अब 12 से 13, क्योंकि ये अगर हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे तो कभी कभी हमारे जो नीचे के घेर होता है वो भागने लगता है, उसके लिए करेंगे 3 12 से 13 आधा इंच रखेंगे और ये सेम दे। अब इसमें क्या होता है, दो साइडों में जेब आती है और एक फ्रंट पे जेब आती है। तो जेब के लिए 13 से 15 ये रखेंगे छाती का 1/4, तो छाती है 36, 36 का 1/4 होगा 12। 14 से 15 ये रखेंगे 2 इंच या 2.5 इंच। 15 से 16 जो जेब का मुंह होगा वो होगा छाती का 1/4, छाती है 36 नहीं सॉरी 1/6, छाती है 36, 36 का 1/6 होगा 6, ठीक है। अब सामने के हिस्से में इसमें एक पट्टी लगी रहती, उसमें एक ताबीज बना होता है, आप लोगों ने देखा होगा ताबीज इस तरीके का होता है, चौकोर भी हो सकता है और या फिर आपने इस तरीके से बना हुआ कहीं भी देखे होंगे, अक्सर लेडीज गलों में भी बनते हैं इस तरीके से, कोई लोग ताबीज को चौकोर भी बना देते हैं, ठीक है, ये कहलाता है ताबीज। तो जो हम एक एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे उसके लिए करेंगे, यहां से यहां रखेंगे छाती का 1/12, 2 से 4 छाती का 1/12, ठीक है। अब सामने भाग में जो हम फ्रंट पे बाई तरफ एक जेब लगाएंगे उसके लिए ये करेंगे 3 से 17 ये रखेंगे 2 इंच या 2.5 इंच, 17 से 18 जेब की चौड़ाई 4.5 या 5 इंच, 17 से 19 चौड़ाई से आधा इंच ज्यादा जेब की लंबाई, ठीक है। ये सामने का हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया।
अब इसमें मुद्दे का शेप देने के लिए जो ये देंगे ये हमारा सामने का मुद्दे का शेप आ जाएगा और ये पीछे का मुद्दे का शेप। पीछे का हिस्सा इसमें ऐसा करते हैं, जिसमें हम ये पीछे का हिस्सा काटते हैं तो पीछे का हिस्से का कोई गला नहीं काटते, लगभग होंगे पूरा बराबर ही काटते हैं, क्योंकि अगर हम गला काट देंगे तो कभी कभी क्या होगा, अगर गला हम इसके अकॉर्डिंग काट देंगे तो ये जो हमारी कुर्ता है ये हमारा पीछे की तरफ भागना लगेगा और ये हमारे यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया सामने का हिस्सा। अब दूसरा पार्ट होता है इसकी आस्तीन। आस्तीन के लिए करते हैं एक से दो आस्तीन की पूरी लंबाई। अब आस्तीन की पूरी लंबाई है 24 इंच, तो एक से दो आस्तीन की पूरी लंबाई, दो से तीन मोड़ के लिए एक इंच या डेढ़ इंच। ठीक है, एक से चार छाती का एक बट्टा चार धन आधा, तो छाती है 36, 36 का एक बट्टा चार होगा 9, आधा इंच और जोड़ेंगे 6.5। चार से पांच ढाई इंच, और दो से छह जो इसकी मोरी होगी ये होगी छाती का एक बट्टा छह। ठीक, अब ये तीसरा हिस्सा ये है, ये कहलाता है कॉलर या बैंड पट्टी। ठीक है, इसे कहते हैं कॉलर या बैंड पट्टी। जो कमीज में होता है ये हमारा ये हिस्सा होता है ये नहीं लगता, इसमें जो नीचे का हिस्सा होता है गोल वही लगता है। उसके लिए करते हैं दो से तीन गले का एक बट्टा दो, गले की गोलाई है 15, 15 का आधा होगा 7.5। ठीक है, एक से दो दो इंच डेढ़ इंच या दो इंच, तीन से चार आधा इंच, और इसको इस शेप में हम दे देंगे या आपकी कुर्ते की टॉपिंग तैयार होगी। इसमें और कोई किसी को पूछना है कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं।